हेलो क्लास थ्री के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपकी किताब का एक चैप्टर बता रहा हूँ। सुनो घर की बात। चूँकि मैं फिर से आपको यह चैप्टर शुरू कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि अब जो परीक्षा हो रही है वो वस्तुनिष्ठ हो रही है, ऑब्जेक्टिव टाइप की हो रही है, जिसके लिए आपको पूरा कहानी याद होना चाहिए। अगर किताब में जो कहानी लिखा हुआ है उसकी एक एक पंक्ति आपको पढ़नी होगी और एक एक पंक्ति पढ़ करके आपको पूरे किताब को दिमाग में रखना होगा ताकि आप जब प्रश्न के उत्तर लिखने बैठे तो आपको वह किताब का कहानी पूरा याद रहे। इसके लिए ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ घर की बात क्या कहानी है, इस कहानी में क्या क्या कहा गया है, तो बच्चों कि देखिए कुछ बच्चे आपस में बात करते हैं जो कहते हैं कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तुम स्कूल में होते हो या घर घूमने फिरने की जगह पर तो तुम मुझे याद करते हो, तुम किसी खेल के मैदान में या पिकनिक में कहीं ज़्यादा देर नहीं रह सकते, तुम मेरी गोद में जल्दी आ जाते हो। बताओ ये बच्चे कौन कह रहा है, किसको कह रहा है? तो अब देखो, अब बताओ बच्चों मैं कौन हूँ? ठीक सोचा, मैं तो तुम्हारा प्यारा सा घर हूँ। मतलब यह घर जो है यह बच्चों से बात कर रहा है, तो यह घर की कहानी है। अब इसमें अब आपके लिए क्या है कि अब इसमें किस तरह की बात, किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं? तो जैसे आप कह सकते हैं इसमें प्रश्न हो सकते हैं कि हम किसके बिना नहीं रह सकते, आपके पास यह प्रश्न हो सकता है हम किसके बिना नहीं रह सकते। तो अब आपके पास ऑप्शन भी आ जाएगा बहुत सारा। ऑप्शन क्या आ जाएगा बहुत सारा? जैसे हवा है, पानी है, घर है, तीनों है। अब देखिए, अब घर के बिना तो नहीं रह सकते, हवा के बिना उसके बिना भी नहीं रह सकते, पानी के बिना उसके बिना भी नहीं रह सकते। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में यह जो अंतिम ऑप्शन है तीनों, यह तीनों आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को अब इस तरह से पढ़ना है। इसके बाद जैसे देखिए इस कहानी में ये जो है घर, अब जैसे है क्या कि समुद्र इसमें कहीं कहीं आपको दिया होगा, समुद्र के किनारे का भी। अब जैसे देखिए यहाँ ये चींटी के रहने का जगह है समुद्र के किनारे, लेकिन यहीं पर बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर बच्चे क्या करते हैं जब जाते हैं? तो घरौंदा बनाते हैं, मिट्टी का छोटा छोटा करके घरौंदा इसी टाइप का बनाते हैं। अब देखिए यहाँ ये घर है, सबके घर के अलग अलग घर है, सबका सबके अपने अपने जीवन है। इस तरह से अब आप इसको पढ़िए कि सबको, चिड़िया के रहने के लिए घर को क्या कहते हैं, चिड़िया कहाँ रहती है, उसके बाद शेर का घर कहाँ होता है, सांप का घर कहाँ होता है। उसके बाद अब देखिए दिवाली पर बच्चे क्या बनाते हैं, मनुष्य पुराने समय में कहाँ रहता था, अब जैसे बर्फ पर उगने वाले घर को क्या कहते हैं, जो तो घर हैं। इसके बाद इसी घर का एक दूसरा स्वरूप क्या है, तो विद्यालय है। ये विद्यालय इसी का एक दूसरा स्वरूप है। इससे थोड़ा सा हम लोग जब विकसित होते हैं, जब ज्ञान आता है, तब ज्ञान को और अधिक जानने के लिए हम इसी विद्या रूपी मंदिर में आते हैं जिसको कि विद्यालय कहा जाता है। यह विद्या का मंदिर होता है। यहाँ बच्चे में हर तरह की संस्कार अच्छे दिए जाते हैं और बच्चे यहाँ से हीरे मोती की तरह चमकते हुए निकलते हैं। आगे भविष्य में वे कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई आईपीएस अधिकारी बनते हैं। और इस तरह से बच्चे इसी विद्यालय से, विद्या के इस मंदिर से ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं। यह भी एक घर का ही रूप है। अब बच्चों आप लोग पढ़िए इसको बढ़िया से।